अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। शहीद रहमत लाल है, ये है और ये जो है वलीद बहादुर है, आजम जा बहादुर, प्रिंस ऑफ बरार, चीफ ऑफ आर्मी एक्स निज़ाम हैदराबाद। ये निज़ाम की डॉटर शहजादी पाशा अहमद निसा बेगम और ये मालिक ने खादर बेगम निज़ाम की वन ऑफ द बेगम। ये है हमारे वाले राइट पे जो मज़ार है ना, वहाँ ब्यूटी है जो लास्ट में बना था। पहली बरसी की फ़ोटो है ये, जूदी मस्जिद के अंदर की फ़ोटो है, मस्जिद के अंदर की फ़ोटो है। मीर उस्मान अली खान बहादुर के हैदराबाद के लिए, दक्कन के लिए क्या खिदमत रहे और आपकी तामीर करदा इमारतें इस वक्त जो है सारे पूरे हैदराबाद, तेलंगाना, हिंदुस्तान, दुनिया को वाजे हो निज़ाम के कारनामे। असल निज़ाम हैदराबाद के दक्कन की पूरी तामीरी तरक्यात, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, आवाम की भलाई में, हर शुबे में, हर मज़हब व मिल्लत के लोगों को हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में निज़ाम इमदाद करे, मदद करे, उनकी जो है चैरिटी निज़ाम की करे और इसे कोई इनकार नहीं कर सकते। और हत्ता के 62 की चाइना की जंग में भी निज़ाम सरकार, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपील करे थे रेडियो पे, फौज कमज़ोर है और माशी हालत सही नहीं है, हिंदुस्तान के अवाम से अपील करे, तो निज़ाम उनको फ़ोन करे, तो शास्त्री साहब यहाँ आए, किंग गोटी पैलेस आए, वो पैलेस में आए बाद 650 टन सोना दिए और 435 किलो एक पल्ले में शास्त्री साहब को बिठा के रखे, तो
पैरामीटर तो ऊपर हो गया था, नीचे हो गया था, उनको भी तोले। मैंने पूरे बहुत निज़ाम का कुछ खाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने गलत करे बोलकर, और हिंदू मुसलमान को अपनी दो आँख बोलते थे। और कई हिंदुओं भी आजकल के आज के पुराने ज़माने के जो बाहियात हैं लोग, अभी भी उनका नाम लेके कोई अगर गुस्ताखी करने गए तो वो लोग लड़ने आ जाते। पुराने बुजुर्ग लोग निज़ाम की ऐसी इज्जत करते, जो रामराज बोलते हैं निज़ाम के दौर में था वैसा राज, सोने का राज बोलते। अभी और एक निज़ाम का जो है जहाँ सूरज नहीं डूबता था ब्रिटिश हुकूमत पे वर्ल्ड में, उनकी हुकूमत में सूरज नहीं गुरूब होता बोलते, हर जगह सूरज रहता था, उधर निकला इधर निकला, तो उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पे थी ब्रिटिश में। निज़ाम भी जब आज़ादी से पहले 47 में क्वीन को, उस ज़माने में क्वीन को एक 38 डायमंड्स का एक सेट गिफ्ट करे थे ब्रिटिश की क्वीन को, तो निज़ाम के औकात क्या थे, निज़ाम क्या थे जो इतनी बड़ी हस्ती को गिफ्ट करे, बोले तो ये 47 की बात है, ये शायद बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद की जो शहनशाह था, किंग था, मीर उस्मान अली खान साहब का 55 साल का जो डेथ एनिवर्सरी थे, उसी वजह से आज जो है सो हम ट्रिब्यूट अदा करने के लिए यहाँ पर आए थे। उनको याद करने में हमें खुशी होती है। जिस जगह में हम ठहरे हैं, जिस शहर में हम जी रहे हैं, वो शहर बनाया हुआ आदमी था, किंग था, मीर उस्मान अली खान साहब। आज जो पानी पी रहे हैं हम, गंडीपेट हो, उस्मान सागर हो या हिमायत सागर हो, आज जो पानी पी रहे हैं उन्हीं की बदौलत से। आज जो सिवरेज हैदराबाद के नीचे जो चल रही है उसी की बदौलत से, चाहे वो उस्मानिया हॉस्पिटल हो, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, ऐसे पढ़ने का, सिंचाई का जो निज़ाम सागर हो, नागार्जुन सागर डैम को जो स्टार्ट करने में, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में जो उनका कोशिश था, ऐसे बहुत सारे मुद्दे में हैदराबाद स्टेट को डेवलप करने में, और ख़ास तौर से हैदराबाद को एक हिंदुस्तान में एक ऐसा शौहरत नाम है सो सिटी बना दिया था मीर उस्मान अली खान साहब। उस्मानिया हॉस्पिटल हो या महबूबा कॉलेज हो या आर्ट्स कॉलेज बिल्डिंग हो, हाई कोर्ट बिल्डिंग हो, वैसे बहुत सारे चीज सिटी हो, यानी काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन हो, या मोक्षगुंडा विश्वरियम जैसे कर्नाटका से बहुत बड़े इंजीनियर को बुला करके यहाँ पर जो उन्होंने हिमायत सागर, उस्मान सागर जो बनाया था, बोलने गए तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। आज हैदराबाद का इतना नाम हिंदुस्तान में और पूरा दुनिया में है, उसका बदौलत है मीर उस्मान अली खान साहब का काम। तो उसको याद करने में हमें बहुत खुशी होती है, और उनको सम्मान देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। वो ऐसा किंग था, सेक्युलरिज्म को मानने वाला एक किंग था। उस जमाने में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ाई होने के बाद में फाइनेंशियली बहुत बैंक्रप्ट होने के वो वक्त पर 5000 टन का सोना, आज के तारीख में वो करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है सो सोना दे करके हिंदुस्तान का फाइनेंशियल रीढ़ का हड्डी बन के हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश जो किया है। साथ ही साथ में तेलंगाना में, हैदराबाद स्टेट में जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, हर दो आंख के जैसा देख के जो है सो राम मंदिर भद्राद्री में है सो राम मंदिर को उन्होंने उस टाइम पे पैसे दिया था, कीसरा गुट्टा का टेंपल को पैसा दिया था, यादगिरी गुट्टा टेंपल को पैसा दिया था, ओल्ड सिटी में है सो सीताराम बाग टेंपल को पैसा दिया था। ऐसा एक कम्युनल हारमोनी बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, आज जो है सो गंगा जमुना तहजीब जो हैदराबाद में हम बोलते हैं उसका जिम्मेदार है उस्मान अली खान साहब। तो हमें खुशी है एक हैदराबाद का कंटेस्टेंट एमएलए होने के नाते, और हमारे साथियों के साथ यहाँ पर आके उस्मान अली खान साहब को जो हमारे तरफ से सम्मान दिए हैं, ट्रिब्यूट दिए हैं, हमें खुशी होती है, हमें नाज होती है।